नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको कैनन का प्रिंटर इंस्टॉल करना बताऊंगा नेटवर्क के थ्रू, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ब्राउजर ओपन करते हैं। अब हमें यहाँ पे टाइप करना है कैनन इमेज रनर। ये वाला प्रिंटर है हमारा कैनन इमेज रनर IR2002N ड्राइवर, ठीक है? एंटर प्रेस करना है, ये फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है हमें। ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो वैसे तो ये यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये दिख रहा है आपको कंपेटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। इनकेस अगर ये नहीं करता है तो आप यहाँ से मैनुअली चूज कर सकते हैं जो भी आपकी विंडोज है, ठीक है? विंडोज 7 या मतलब 64 है या 32 बिट में है, ठीक है? तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे ड्राइवर्स अवेलेबल है। बस आपको चूज करते टाइम यहाँ पे सपोज आपने ये चूज किया है तो सर्च पे क्लिक करना होगा, तो सर्च करके ऑटोमेटिकली ड्राइवर दे देगा आपको। तो अभी मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिटेक्ट किया हुआ इसने विंडोज 10 64 बिट, ठीक है? तो हमें अब ये वाला ड्राइवर डाउनलोड करना है फर्स्ट के बाद, जो सेकंड वाला है ये, ठीक है? जिसपे UFR लिखा हुआ है ना और स्कैन गियर लिखा हुआ है। स्कैन गियर बेसिकली इसलिए चाहिए हमें कि यूटिलिटी भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिससे हम लोग स्कैनर को बाद में उसके थ्रू चला सकेंगे, ठीक है? तो हम पहले से डाउनलोड कर लेते हैं, ये डाउनलोड कर लेते हैं इसको। ये मैंने डाउनलोड लगा दिया। अब हमें बैक जाना है वापस से और यहाँ पे ये वाला सॉफ्टवेयर और डाउनलोड करना है, टूल बॉक्स के नाम से जो है ना, ये स्कैनिंग के लिए काम आता है, तो हमें ये वाला भी डाउनलोड करना है, ठीक है? हम इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये लीजिए, हमारा ये दोनों ड्राइवर डाउनलोड हो रहे हैं। अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको डाउनलोड में जाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे दोनों ड्राइवर आ चुके हैं, ठीक है? अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों ड्राइवर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। अब एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे विनजिप की जरूरत होती है। अगर आपके पास विनजिप नहीं है तो मैंने वीडियो डाली हुई है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। दोनों चीजें उसमें बताई गई है, ठीक है? तो उसके बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। ये इस तरह से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हमें दूसरे वाला भी कर लेना है, टूल बॉक्स वाला भी। ये हमने दूसरा भी कर लिया, ठीक है? इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला ड्राइवर ओपन करेंगे। ड्राइवर्स में जाना है, यूके इंग्लिश X64, और उसके बाद ये सेटअप। सेटअप पे आपको डबल क्लिक करना है, यस करना है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बाद यस करना है। यस के बाद आप यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे आपको, USB कनेक्शन और नेटवर्क कनेक्शन, ठीक है? तो अब यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए सिस्टम आपका सिर्फ एक है तो आप USB के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहता है। और अगर मान लीजिए आपके ऑफिस में यूज कर रहे हैं आप इसको, तो और वहां पे करीबन 50 सिस्टम है, तो नेटवर्क के थ्रू करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें आपको स्कैनिंग का प्रोसेस भी मिल जाएगा। अगर USB के थ्रू करते हैं तो उसमें स्कैनिंग में क्या होता है कि पर्टिकुलर सिर्फ एक सिस्टम से स्कैन करते हैं आप, शेयर प्रिंटर करके तो आप प्रिंट तो दे सकते हैं अदर सिस्टम से भी, बट सिर्फ स्कैनिंग पर्टिकुलर उसी सिस्टम से हो पाएगी। तो उसके लिए नेटवर्क वाला ये ज्यादा ऑप्शन बेटर रहता है कि इसमें आप दोनों चीजें उसी सिस्टम से कर सकते हैं जिसपे आपने इसको इंस्टॉल किया हुआ, ठीक है? ठीक है, तो आप यहाँ पे नेटवर्क चूज करके यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करना है आपको। अब नेक्स्ट करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखेगा, ये फायरवॉल का एक्सेस के लिए आता है, नेटवर्क के लिए, तो ये अपने आप पोर्ट इनेबल कर लेता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे यस कर देना है। अब ये यहाँ पे आपका प्रिंटर सर्च कर रहा है। ये प्रिंटर हमारा आ चुका है, देखिए इसमें IP दिख रही है आपको, तो ये प्रिंटर हमारा उसने डिटेक्ट कर लिया नेटवर्क के, ठीक है? नेक्स्ट करना है। ये इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। थोड़ा सा स्लो चलता है। अब यहाँ पे वापस इसको यस करना है। ये प्रोसेस हमने पहले भी किया था। अब ये प्रिंटर नेम ले रहा है, आप अपनी मर्जी से देना चाहते हो जो दे सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट कर दो। अगेन स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अब ये हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यू हो तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर इसके अलावा कोई और प्रिंटर भी आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को उसके बारे में बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है और भी वीडियोस बनाना।
ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब इसको हमें नेक्स्ट करना है। यहाँ थोड़ा सा स्लो चल रहा है ये आज, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है शायद। अगेन नेक्स्ट करना है, अब इसको एग्जिट कर देते हैं और अब यहाँ से हम बैक जाएंगे। ठीक है, अब हमें स्कैनर वाला ड्राइवर इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो हम इस वाले को ओपन करते हैं, डबल क्लिक कर। अब यहाँ पे जो सेटअप आ रहा है, सेटअप पे आपको डबल क्लिक करना है, यस कर देना है। यस करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, यस करना है, उसके बाद अगेन नेक्स्ट करना है और उसके बाद अगेन नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा स्कैनर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो अब इसको एग्जिट कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। यहां से मैं ओपन करूंगा, अब यहां से स्कैनर ओपन कर लेते हैं। पीडीएफ में भी कर सकते हैं, मेल से करना चाहते हैं तो मेल पे भी कर सकते हैं, तो सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल है ये देखिए। ठीक है, तो चलिए अब हमारा प्रिंटर भी चेक कर लेते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे या यहीं से डायरेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल पैनल में जाएंगे और उसके बाद डिवाइस एंड प्रिंटर्स ओपन करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा प्रिंटर है, तो हमारा प्रिंटर भी इंस्टॉल हो चुका है। अब इस पर राइट क्लिक करके मैं प्रेफरेंस में जाता हूँ, तो यहाँ से आपको ये देखिएगा, ये डुप्लेक्स का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मतलब आप चाहते हैं कि भाई दोनों साइड प्रिंट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। जब आप प्रिंट करेंगे तो वहाँ इसको चूज कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको डुप्लेक्स में प्रिंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।